हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साकिक टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हैं हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी सिचुएशन इस टाइम बहुत ही वर्स्ट चल रही है, आप दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप दोनों का डिवोर्स की बात चल रही है, डिवोर्स हो चुका है, या आपकी शादी हो गई थी बट आप दोनों अभी सेपरेशन में चल रहे हो, तो हम देखेंगे अपने टैरो के थ्रू क्या आगे नियर फ्यूचर में आप आगे आने वाले भविष्य में एक हो पाएंगे या नहीं, तो हम जानेंगे टैरो के थ्रू। एंड गाइस चलिए हम अर्थ को शफल करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपका, जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो किसी और के लिए है। ओके सो चलिए हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फूल, सिक्स ऑफ वैंड एंड नाइट ऑफ कप्स, एरीज द सजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरीज सजिटेरियस एंड एक्वेरियस। ओके द हैंगमैन पाइसेस, एक्वेरियस द स्टार, ओके कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस अगेन, पेज ऑफ कप्स, Wow, Ace of Cups. Okay, Page of Pentacles. So, okay, and what about the deck? We have Four of Cups. So, हम इसे यहाँ रख देते हैं, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि येस आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, सोचते हैं, पेन में हैं, सोरो में हैं, एंड इवन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपने पास्ट पर से। एंड इवन वो बहुत ज़्यादा ना मतलब कन्फ्यूजन में है, उनको वो इनडिसीजन सिचुएशन में है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं टाइम पे। सो यहाँ से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, एंड हर्मिट से मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि उनकी इनर, वो अपनी इनर गाइडेंस को सुनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में वापस से फंस जाते हैं। मे बी ये प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली, ये प्रॉब्लम हो सकता है करियर, ये प्रॉब्लम है वो थर्ड पर्सन जिसके साथ वो अभी डील कर रहे हैं, बिकॉज वो उस तरफ खुश नहीं है। बिकॉज दो कार्ड मेरे पास हैं ऐसे जिससे मैं देख पा रहा हूँ, ग्रीफ, पेन, सोरो, अलोन एंड इवन कन्फ्यूजन। बट यस यहाँ पर इन्फिनिटी वर्क कर रही है, जगलिंग हो रही है करियर एंड थर्ड पर्सन को लेकर। वो सोच रहे हैं कि किस तरफ ज़्यादा झुकाव दिया जाए, आपकी तरफ या फिर उस थर्ड पर्सन की तरफ या फिर करियर की तरफ। सो मे बी यहाँ से मैं तीन चीज़ें देख पा रहा हूँ, बट यस आगे चल के बहुत ही खूबसूरत होने वाली है हर एक सिचुएशन। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचेगा, बिकॉज हमारे पास डेथ कार्ड भी है बॉटम से ही। सो डेथ मुझे दिखा रहा है कि यस सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक अवेकनिंग होगी, आपकी नई लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी लाइफ में। सो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, यूनिवर्स में बिलीव रखिएगा। ओके सो देखिए मैं अब आपको कार्ड्स यहाँ से दिखाना बताना शुरू करता हूँ। द फूल, डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि यस आप लोगों की, आपके पर्सन की तरफ से, अब वो पर्सन ही शी कोई भी हो सकता है, इवन सेम सेक्स जेंडर के लिए भी ये रीडिंग, तो डेफिनेटली आप सभी देख सकते हो। सो मैं देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन एक्शन लेगा, बहुत जल्द एक्शन लेगा ये पर्सन, और एक्शन लेने की सोच भी रहा है। नाइट ऑफ कप से मैं देख पा रहा हूँ नई बिगिनिंग होगी इस पर्सन की लाइफ में। एंड इवन ये पर्सन चाहता है या चाहती हैं कि ये अपना ऑफर लेकर आए आपके पास, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है आपका जो इनके लिए, जो आप एक गुड लक की तरह थे, एक विश की तरह थे, इनको आप ब्लेसिंग्स, आपके थ्रू इनके पास ब्लेसिंग्स पहुँचती थी, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा अपनी अवेकनिंग में लगे हुए हो, क्योंकि आपकी अवेकनिंग इनसे फास्ट हो रही है और इनकी अवेकनिंग अभी थोड़ी स्लो हो रही है। तो इसीलिए आपकी बैलेंसिंग और आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती थी, बट यस जैसे ही इन्होंने आपको छोड़ा, आपके साथ इन्होंने मे बी कॉन्फ्लिक्ट आए, क्योसिस मचे, झगड़ा हुआ, तो इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई एकदम से। सो इसीलिए अब ये चाहते हैं कि यस ये बिगनिंग करें, न्यू बिगनिंग आए इनके लाइफ में। द फूल जो कि मुझे दिखा रहा है, और ये जल्द ही आपके पास आने वाले हैं, कोई ना कोई मूव लेने वाले हैं, हर एक ऑब्स्टिकल से लड़ेंगे, हर एक प्रॉब्लम से लड़ेंगे, और इन द नियर फ्यूचर ये डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास आगे सिक्स ऑफ वैंड्स है, इट्स अ विक्ट्री कार्ड, और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ओके
सो देख लीजिए पेज ऑफ पेंटिकल से मैं देख पा रहा हूँ कि यस डेफिनेटली ये ऑफर ये आपको ही देगा, बट ये पर्सन अभी बहुत स्लो एक्शन ले रहा है, बट यस ये डेफिनेटली आएगा. एंड ये आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यस ये अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बातचीत करेंगे, लोगों से लड़ेंगे भी, थोड़ा बहुत इन्हें लड़ना पड़ेगा बिकॉज ये चाहते हैं अगर अपनी विश को पूरा होना, ये चाहते हैं कि आप दोनों इन द नियर फ्यूचर एक साथ रहो, आपका रियूनियन हो जाए, आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो डेफिनेटली इनको अपने आप को बैलेंस करना होगा और जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें भी बैलेंसिंग लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है. देन ये अपने नियर फ्यूचर में ये विक्ट्री पा लेंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, आपके पास वापस आ जाएगा. सो डेफिनेटली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि यस ये रीयूनियन है, इन द नियर फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओगे. और क्लैरिटी के लिए देख लेते हैं हम अपने दूसरे डेक से, तो चलिए पहले साइकिक से देखा जाए क्या निकल के आता है आपके लिए. ओके ओ वाओ, लव बिगिंस एंड इमोशनल लॉस. सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव तो है बहुत ज़्यादा है, बट अभी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हो रहा है, आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, आप दोनों ही इमोशनली बैलेंस नहीं हो, मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है. आप दोनों एक दूसरे के लिए दिल से बहुत ज़्यादा फील करते हो बिकॉज इस पर्सन ने अपने दिल पर अपना हाथ रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को बैलेंसिंग की. एंड प्रोस्पैरिटी बिगेंस, आपकी लाइफ में समृद्धि आनी शुरू हो चुकी है, आ रही है इवन. सो डेफिनेटली लव भी शुरू, आप दोनों एक दूसरे के लिए लव भी बहुत फील करते हो और आपको प्रोस्पैरिटी भी मिलेगी, आगे चल के समृद्धि मिलने वाली है बहुत ज़्यादा. तो ये जो इमोशनल लॉसेस चल रहे हैं इनको ख़त्म करिए फटाफट से, अपने आप को बैलेंस करना शुरू कीजिए, बिकॉज अगर अपनी बैलेंसिंग कर लोगे तो डेफिनेटली लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाएंगी. वाओ, अगेन न्यू बिगनिंग नंबर 0, तो देख लीजिए कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग तो आ रही है. एक्सेलरेटेड मोशन, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए एक मोशन में चल रहे हैं, बट उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है एंड वो उन्हें डर लगता है कि कहीं वो अपनी फैमिली से उनका बॉन्ड ना खराब हो जाए, अपने फ्रेंड से या फिर जिस भी पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं उन्हें ये भी डर रहता है कि कहीं बॉन्ड हमारा एक दूसरे से खराब ना हो जाए. बट यस, अभी आपके और अपने बॉन्ड के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि वो किस तरीके से आपके पास वापस आएँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ से दिख रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया, आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया, आपको तोड़ दिया उन्होंने अंदर से एकदम. बट यस, ये जो इमोशनल लॉसेज है मुझे पता चल गया किस लिए आया कार्ड, बट आपको उन इमोशनल लॉसेज से बाहर आना होगा. ओके, पहले इमोशनल लॉसेस से बाहर आ जाओ, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव की शुरुआत होगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, नई बिगिनिंग आपका पर्सन ले रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, इमोशन लेंगे आपके लिए, आपको बस यूनिवर्स में बिलीव रखना है. आप यूनिवर्स भी दिख रहे हैं यहाँ से एंड आप भी दिख रहे हो. ओके, सो यूनिवर्स में बिलीव रखो, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में. स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आपको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है. इन द नियर फ्यूचर आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलाएगी. ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन डेथ. सो डेफिनेटली देख लीजिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है गाइज, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत होने वाली है. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके पर्सन के इतना करीब ला देगी कि आप दोनों का रीयूनियन होना लिखा ही है, आप इन द नियर फ्यूचर एक होंगे ही होंगे. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सो डेफिनेटली आपको इन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना होगा एंड पेशेंस रखने होंगे. ओके, पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होती चली जाएगी. तो चलिए एक बार एनर्जी और अकल से और देखें क्या निकल के आता है. ओके, कार्ड आ गया है डोर टू वैल्यू. आपको वैल्यू करना सीखना होगा अपने टाइम को, अपने पर्सन को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को, अपने स्पिरिट को, अपने यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को, अपने गॉड को, आपको हर चीज को वैल्यू करना होगा इस टाइम. अगर आपके पास कोई छोटी से छोटी चीज भी है आपको उसको भी वैल्यू करना होगा. काफी बार हम ना बहुत सारी चीजें करते हैं अपने लाइफ में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हम लोग सुबह मतलब हम रात को सोते हैं अपने बेड पर और सुबह उठते हैं और काफ़ी बार अपना बेड बनाते ही नहीं है सुबह उठ के. सो हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और जबकि हम उस पर सोते हैं तो वो हमारा एक कंफर्ट जोन है, हमने उसे वैल्यू नहीं किया. हमारा फ़ोन है, हमें ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, उसे वैल्यू नहीं किया. ऐसी हमारी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको हमें वैल्यू करने की ज़रूरत होती है. इवन अगर आप इस लाइफ में हो ना, मतलब इस शरीर के अंदर अगर आपको जान मिली हुई है तो आपको उसको भी वैल्यू करना चाहिए. काफ़ी बार लोग ना अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं रिलेशनशिप में, अपने कुछ भी मतलब उल्टी सीधी चीज़ें कर लेते हैं, अपने अपने आप को हार्म पहुंचा लेते हैं. एंड देन उसके बाद वो उन्हें फिर बाद में रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो क्या कर चुके हैं, बट उनको लगता है कि हमने तो अपने प्यार में किया, और जबकि ये बहुत गलत चीज़ है. अपने आप को वैल्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमारे एंजल आ गए हैं हमारे पास, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल. सो डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी एंड सक्सेस दिखा रहे हैं और आपको पोटेंशियल दिखा रहे हैं. आपको अपने बेस चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है जो कि लोकेटेड होता है हमारी स्पाइन में. आप डांस, योगा, स्ट्रेचिंग के थ्रू इस बेस को अपने अवेकन कर सकते हो, उसको जगा सकते हो. तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है. अपने बेस चक्र को ओपन कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाइए, जब भी आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगी.
एंड वी डेफिनेटली अभी आपकी जो एनर्जी चल रही है बहुत ही नेगेटिव चल रही है, आप लोगों से दूसरे लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा बार चिढ़ भी जाते हो या फिर अपनी फैमिली में किसी और को देख के आपको ऐसा फील होता हो कि इसके पास सब कुछ है। कंपैरिजन मत करो गाइस, ये कंपैरिजन ही हो रहा है। देख लीजिए सिल्वर वर्ल्ड में आगे गोल्डन वर्ल्ड है, तो डेफिनेटली ये जो गोल्डन वर्ल्ड है ये आपको भी मिल सकता है, तो आपको बस कंपैरिजन से बचना होगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी वर्क कर रहे हो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट उधर भी होंगे, सो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से इसीलिए आया है कि आप अब जो भी वर्क करोगे उसमें आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है, बैलेंसिंग देख रहे हो आप, और जो भी वर्क आप कर रहे हो अब आगे चल के उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव विक्ट्री, तो विक्ट्री आपको मिलेगी। अब ऑल टाइड अप इस सिचुएशन से बस बाहर आ जाइए, आपको विक्ट्री मिल जाएगी। ओके सो अपनी विक्ट्री के लिए आपको खुद ही वर्क करना होगा। अगर आप वर्क नहीं करते हो तो डेफिनेटली फिर आपकी लाइफ में मे बी आपका पर्सन ना आ पाए। तो वर्क कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका पर्सन आएगा। लव, वी हैव लव, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों का एक होना तो लिखा ही है। क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आप दोनों मिलकर कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, एक क्रिएटिव वर्ल्ड बनाना चाहते हो, अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहते हो। वाओ, इंटीमेसी आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट रहोगे आगे चल के, और आप दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील करते हो, डेफिनेटली मैं ऐसे देख पा रहा हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव शिवलिंग, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपना ये जो फ्लावर है, बुके है, आपके पास लेकर आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं, आपको प्रपोज करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, तो इन द नियर फ्यूचर आप एक होप आओगे। हाँ, ये रीडिंग मुझे यही बता रही है। एंड द गार्डनर इन द सेंस कि ये सब कुछ होगा आपके पास, ये जो एक गार्डनर, एक जो माली जिस तरीके से एक बाग को बनाता है, फिर उसके पास सब कुछ होता है, हर तरीके की खुशियाँ होती हैं, हर तरीके के फूल होते हैं, तो डेफिनेटली हर खुशी आपके पास होगी। एंड कमिटमेंट, वाओ, यिंग एंड यांग, अब मैं क्या बोलूँ आपको, डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स, गॉड सभी वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए वर्क करने की ज़रूरत है। आपको कमिटमेंट मिलेगा, यिंग एंड यांग ने मुझे दिखा दिया, यस यूनिवर्स है आपके साथ। तो चलिए एंजल मैसेजेस देख लिए जाए। सक्सेस, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। वाओ, काफी पॉजिटिव रीडिंग आ रही है गाइज आपकी। थोड़ी सी बस थोड़ी सी जगह पर आप थोड़े गड़बड़ाए हुए हो, जैसे कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एनवी, एंड इवन थोड़े से आप इमोशनली परेशान चल रहे हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आप वहां से अपने आप को ठीक कर सकते हो। आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट, मेरे हिसाब से तो आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, बिकॉज हम लोग बोल तो देते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती या फिर हम ऐसे परेशान नहीं हो सकते, मैं मेंटल हेल्थ से इशू, मेरे कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, बट हमारे पास होते हैं, पर फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को भी एक टाइम पर थे, मैंने भी एक्सेप्ट किया, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो और उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है। ओके, लुक फॉर अ साइन, जैसे कि मेरी आज की जो मैंने वीडियो डाली है, सॉरी वो वीडियो मैंने कल डाली थी, सो आपको उस वीडियो में मैंने एंजल गाइडेंस के बारे में ही बताया था। तो लुक फॉर अ साइन, आपको को काफ़ी सारे साइंस देते होंगे एंजल्स, आपको नंबर्स दिख जाते होंगे, आपको बहुत सारे थिंग्स दिखती होंगी अलग अलग तरीके से, आप उनसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, आप लाइट से अट्रैक्ट होते होंगे, तो वो साइन ही होते हैं एंजल्स के, बस आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है। ट्रस्ट रखिए इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा, एंड जो भी अभी सिचुएशन चल रही है वो इम्प्रूव हो जाएगी आगे चल के, तो बस आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग करके चलना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है, नो नीड टू वरी, रोमांस, लेट गो। सो देख लीजिए सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव हैं, सो डेफिनेटली एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं गाइज, तो आप एंजल्स की सपोर्ट को अच्छे से यूज़ कीजिए। ओके, एंजल्स आपके लिए खड़े हुए हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं उन्हें खत्म करो, सबसे पहली चीज। कम्युनिकेशन इज अ की, कम्युनिकेशन ही है चाबी आपकी। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी आंसर आप चाहते हो वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रोस्पेरिटी आपको मिलेगी, एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, सो डेफिनेटली यहाँ से हमारे पास आ गया है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। एंड अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते हो अच्छे से, ये सब सारी गाइडेंस फॉलो अप कर लो, अगर आप इसमें बिलीव रखते हो, तो मैं आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, आप अगर इस
गाइडेंस में फेथ रखते हो तो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू, ये सब कुछ आपके ऊपर है. और अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं करते हो, मेडिटेट नहीं करते हो, तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में कुछ नहीं आने वाला, ध्यान रखना. नहीं मतलब आएगा नहीं कुछ भी अगर आप इस तरीके से वर्क नहीं करते हो, बिकॉज आपको सब कुछ बता दिया गया है कार्ड्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू. अब ये आपके ऊपर है. ओके सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग. अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. मेरी रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा. हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय.